मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र रायसेन में भरा। उससे पहले उन्होंने एक विशाल रैली निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां प्रदेश के बड़े नेता नामांकन के दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहते हैं, तो वहीं शिवराज की नामांकन रैली में कोई बड़ा चेहरा उनके साथ दिखाई नहीं दिया। चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सभी बड़े नेता अन्य प्रत्याशियों के नामांकन दाखिले के समय उनके साथ दिखे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अकेले नामांकन दाखिल किया, जिससे कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नाराजगी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नॉमिनेशन फॉर्म में कोई बड़ा चेहरा नहीं पहुंचा, जबकि कल पीएम मोदी खुद पन्ना जिले के चुनावी दौरे पर थे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।